हेलो यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पार्थ लकड़ा वाला की दुनिया। लाइक करते रहिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाजू में जो बेल आइकन है आप ऑल पे क्लिक करोगे तभी आप सभी लोग को मेरा नया नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। यूट्यूब फ्रेंड्स, चारकोप कांदीवली वेस्ट सेक्टर 8 में मैं आया हूँ और ये दुकान का नाम है श्रीनाथ डेयरी फार्म और यहाँ के मालिक से भी बातचीत करवाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम बालू सिंह है और आप आइए, आपका स्वागत है इधर श्रीनाथ डेयरी में। और आप देखिए बहुत सारे आइटम मिलता है इधर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग खाने पीने की वैरायटी भी मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मलाई दही और अपने इधर है और ये है अपना मलाई। अच्छा, आपसे एक बात बोलने का था, दही कितने का और मसाला छाछ कोई पीने को आएगा तो कितने रुपए का? 10 रुपए गिलास। बराबर। ये तबेले का दूध है, ताजा दूध। बराबर। ये है गाय का दूध। बराबर, सुपर दूध। एक कितने रुपए लीटर और ये कितने रुपए लीटर? 76 है, 58 है, 48 है। बराबर। ये आधा लीटर कितने का? आधा लीटर 38। बराबर। और ये 24 है। ओ, पनीर रोज फ्रेश मिलेगा, मलाई पनीर। बराबर। और पनीर समझो कि किसी को चाहिए तो कितने रुपए का, एक किलो कितने का, आधा किलो कितने का? एक किलो 340 का है। हाँ, पाव किलो 85, आधा किलो 170 रुपये। बराबर। सो फ्रेंड्स, श्रीनाथ डेयरी फार्म में मैं आया हूँ और ये फार्म के अंदर, मतलब ये डेयरी के अंदर, यहाँ पे आइसक्रीम, चॉकलेट सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलता है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या चीज़ खाऊँ, क्योंकि ये फ्रीजर के अंदर रखा है आइसक्रीम, अभी यहाँ पे रखा हुआ है चॉकलेट और वहाँ पे वो फ्रीज़र में रखा हुआ है लस्सी। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या खाऊँ क्या ना पीऊँ। तो चलिए देखते हैं कि मेरे को क्या पसंद आता है। सो फ्रेंड्स, मैंने लिया है छोटा सा कप वेनिला वाला, खाते चलो। वाह, मजा आ गया। बारिश में आइसक्रीम खाना मतलब मस्त मजा आ गया और एक थोड़ी सी राहत भी मिल गई कि चलो बारिश में आइसक्रीम खाने की और एक ही अलग ही मजा है। सो फ्रेंड्स, ये भाई का नाम है हुकुम सिंह और जो दुकान के ऑनर है और ऑनर है, दुकान के मालिक भी है। और जब भी कोविड था तो कोविड में क्या क्या, जो दुकान के ऑनर है उसको क्या क्या झेलना पड़ा है और अभी पब्लिक लोग को क्या क्या पसंद आ रहे हैं, तो चलिए बातें सुनते हैं। लॉकडाउन में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ और दुकानें पहले प्रॉब्लम बहुत हुआ था, 8 बजे बंद करना पड़ता था, 10 बजे बंद करना पड़ता था और 12 बजे बंद करना पड़ता था। तो अभी तो अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है।
बराबर। और पब्लिक लोग को यहाँ पे अभी जो कोविड नहीं है तो अभी सभी पब्लिक लोग को पब्लिक यहाँ पे आ रही है, तो क्या क्या आइटम पसंद अभी आ रहा है यहाँ पे? अभी तो पब्लिक तो बहुत सारी आ रही है इधर, और लेके भी जा रही है। पनीर है, लस्सी है, दही है, दूध है, बहुत सारी आइटम लेके जाती है। बराबर। अच्छा एक बात बोलने का था फ्रेंड्स, जो श्रीनाथ डेयरी फार्म है चारकोप कांदी वाली वेस्ट में भी है, और एक ये दुकान है अंधेरी वेस्ट में है, बराबर ना? बराबर। तो वहाँ पे भी आप बता दीजिए कि अंधेरी वेस्ट में कहाँ पे है। अंधेरी वेस्ट में चार बंगला मच्छी मार्केट श्रीनाथ डेयरी। बराबर। मतलब आपका ही दुकान है वहाँ पे? हाँ, मेरा बड़ा भाई बैठता वहाँ पे। बराबर। और आपसे एक छोटी सी मैं बात बोलना चाहता था। बोलिए। दुकान का टाइमिंग कितने बजे का कितने बजे से है? सुबह 6 बजे से शाम को 11 बजे तक है। बराबर। और यहाँ पे मतलब, और आपने फ्यूचर में कुछ प्लान सोचा है कि अभी सोचना बाकी है? नहीं, अभी सोचना बाकी है। बराबर। क्या अपना ये दुकान और बड़ा करना चाहते हो? अभी सोचना बाकी है। नहीं, अभी सोचना बाकी, सोचने का है। बराबर। बाकी है, कुछ बड़ा करना था, बड़ा करना चाहिए। मतलब दुकान का नाम यही रहेगा? दुकान का नाम यही रहेगा, सेम नाम रहेगा। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, न्यू ब्लॉग पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और भी नए नए ब्लॉग अपलोड होना बाकी।